क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आपको आई? मैम क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन मैम कहीं कहीं दिक्कत होती है, पर मोस्टली शेक्सपियर के क्वेश्चंस होते हैं, वही क्रोनोलॉजी और एज वाइज भी क्रोनोलॉजी क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। आपने जैसे सिक्वेंसली बताया है, अगर वो सिक्वेंस याद है हम लोग को तो वो बन जाते हैं क्वेश्चन आराम से, तो हो जाते हैं। डेट्स अलग से याद करने की जरूरत नहीं। नहीं, डेट्स मैम कभी याद नहीं किया आज तक, याद ही नहीं होते। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते कि मैम डेट्स याद करें, तो बीच में कई बार मैं जब परेशान हो जाती थी स्टूडेंट से फोन पे, एक ही क्वेश्चन वो पूछते थे मैम क्रोनोलॉजी बेस्ड आ रहे डेट याद करें, तो मैं बोलती थी करके देख लो एक बार, हो जाए तो मुझे भी बता देना कैसे करें, क्योंकि मुझे तो नहीं हुए। 1500 वर्ड्स की डेट याद करना इज नॉट इजी टास्क। कैसे हैं आप रोहित? बढ़िया मैम, गुड। आप बताइए कहाँ से हैं आप? आप कहाँ से हैं मुझे सबसे पहले? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ओह, प्रयागराज से। हमारी एक अच्छी वीडियो एडिटिंग की टीम भी वहां से है, जो हमारे साथ अभी वीडियोस बनाते हैं, वो भी प्रयागराज से ही हैं। सो कैसा फील कर रहे हैं आप फाइनली आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम? हैप्पी, सो हैप्पी मैम। आई वांट टू फर्स्ट नो कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या रहा है बिफोर वी डाइव डीपर इनटू द कन्वर्सेशन। मैंने 12th साइंस बैकग्राउंड से किया था, उसके बाद आईआईटी के लिए 2 साल ड्रॉप किया था बीच में, फिर वो क्लियर नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद बीए किया, देन एमए, एंड 2022 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने तभी दिया था अक्टूबर वाले में, जो 13 अक्टूबर को पेपर हुआ था। जी जी यस मैम, पर उसमें नहीं हुआ था। फिर अब की ये वाला भी दिया था, फेब वाला भी दिया था, उसमें भी मैम 91% थे मेरे, नहीं हो पाया ईडब्ल्यूएस में। पर दिस टाइम आई क्रैक इट फाइनली। वाओ, प्रिपरेशन आपने कितनी करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले? मैम मैंने आपकी कोचिंग अप्रैल 22 में ज्वाइन कर ली थी, 2022 में। फिर उसके बाद मैं पढ़ रहा था तो धीरे धीरे, बट एक बार जैसे सब पूरे सिलेबस से गो थ्रू हुआ था, सिर्फ वो नोट्स मैंने मैम आपके बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर नाउ इन झांसी, शी टोल्ड मी अबाउट यू, तो उनके नोट्स थे, आपके पूरे लेक्चर्स थे। अच्छा, तो मुझे तो मुझे पूरा बस पढ़ना था, फिर मैं पढ़ रहा था, बट सितंबर में, अक्टूबर में पेपर था, सितंबर में मेरी दादी पास अवे, तो मैम रिवाइज नहीं कर पाया था पूरा। फिर उसके बाद जितना भी कर पाया था दिया था पेपर, पर अच्छे से मैम प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, इसलिए मेरा उस टाइम 80% आई ली था, और पेपर वन भी मैं सही से नहीं पढ़ पाया था, और पेपर टू में भी बस ब्रिटिश, इंडियन एंड लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पढ़ा था, ब्रिटिश भी मैम पूरा कम्प्लीट नहीं किया था। ओके, फिर उसके बाद फेब वाले में पूरा पढ़ तो लिया था, बट मैम उसमें भी थोड़ा रिविजन, लैक ऑफ रिविजन था, तो पूरा सिलेबस मैम इतना वास्ट है कि रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगता है। हाँ, exactly. और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना जरूरी हो जाता है, सिर्फ एक बार रिवीजन करके चीजें भी याद नहीं रहती है, राइट? यस मैम, रिटेन नहीं हो पाता कुछ भी एक बार में, कम से कम 5-6 बार मैं रिवाइज किया हूँ तब हुआ है। 5-6 बार आपने फरवरी से अभी तक? यस मैम। ओके, बाप रे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिकॉज देखिए, मैंने खुद ने जब पेपर दिया था तो मैंने 7 टाइम्स रिवाइज किया था, और मैंने काफी बार मेरे लेक्चर्स में भी ये बोला है कि 5-7 बार रिवाइज करे बिना नेट क्लियर नहीं हो सकता है, बिकॉज आपको सब कुछ जब तक टिप्स पे नहीं होगा आप हमेशा एमसीक्यूज में कंफ्यूज होते रहेंगे, ये आंसर है या ये आंसर है। मैथ्स ऑफ फॉलोइंग्स में तो और प्रॉब्लम होती है मैम, क्योंकि सब कुछ इतना लिंक्ड रहता है आपस yes, में, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट? इसमें ये बताएं कि जैसे आपने किस तरह से आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपने कौन सी बुक्स या क्या मटेरियल रेफर किया? मैम मैं एकदम एज अ नाइफ स्टार्ट किया था, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपेयरिंग में ही दिया था अपना, मुझे कुछ भी नहीं पता था आपकी कोचिंग ज्वाइन करने के पहले कि क्या होता है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप मैम की कोचिंग ज्वाइन कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है कैसे करना है। फिर उसके बाद मैम आपके वेबसाइट पे विजिट किया था और आपके थोड़ा यूट्यूब वीडियोस देखे था, तो क्लियरेंस मिली थोड़ा कि हाँ क्या है कैसे करना है, फिर मैम कुछ सोचा नहीं सीधा ज्वाइन कर लिया आपकी। अच्छा, कोचिंग ओके।
फिर वहीं से सारी स्टडी स्टार्ट की। मैम सिर्फ और सिर्फ वहीं से पढ़ा है लिटरेचर के लिए, और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं अभी पढ़ा तक। ओके नो मैम। ग्रेट। और आपको जो जब आपने जब पूरा पढ़ा और फिर आप जब मॉक टेस्ट भी देते थे आप जो अपने यस पोर्टल मैम पे देते थे आपकी वेबसाइट पे जो है, यस मैम देते थे। तो वेबसाइट पे जो मॉक हाँ मैम उसको हाँ 25 मॉक टेस्ट करीब दिया है मैंने, और जो मतलब हर बार कुछ ना कुछ गलतियां होती ही थी, मतलब कभी 100% हाइल आया नहीं उसमें, तो जो भी होता था वो क्वेश्चंस लिख लेते थे क्लियर नहीं हो रही है या कुछ भी ऐसा पार्ट जो आपको लगा कि नहीं इसको ये वाला पोर्शन जो है ये मुझे कहीं और बुक से पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चंस बहुत टफ है, ऐसा आपको फील हुआ जब आपने पास किया पेपर्स वगैरह भी देखे तो? मैम जब पेपर्स देखे तो मोस्टली चीजें आप कवर की हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी आपने बताया है अपने नोट्स में, और अपने जो ऑडियो लेक्चर्स हैं उसमें आपने डिस्कस किया है, तो सारे क्वेश्चंस लगभग फैमिलियर होते थे, बट फिर भी रिटेन नहीं कर पाता था मैं हमेशा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी उसको रिटेन कर पाने में या उस मूमेंट में जो जब तो पेपर देते थे। रिवीजन ने हेल्प किया आपको? यस मैम। जितनी बार आपने बार बार उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज किया अगेन एंड अगेन? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए बहुत ही बढ़िया। और 4-5 बार अगर आपने रिवाइज किया है तो अब मैं खुद सोच सकती हूँ कि आपको टिप्स पे हो गई होगी सारी चीजें, क्योंकि एक एक राइटर के इतने सारे वर्क्स हैं। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आपको आई रोहित? मैम क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन मैम कहीं कहीं दिक्कत होती है, पर मोस्टली शेक्सपियर के क्वेश्चन होते हैं वही क्रोनोलॉजी, और एज वाइज भी क्रोनोलॉजी क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। आपने जैसे सिक्वेंसली बताया है, अगर वो सिक्वेंस याद है हम लोग को तो वो बन जाते हैं क्वेश्चन आराम से, तो हो जाते हैं। डेट्स अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं डेट्स मैम कभी याद नहीं किया आज तक, याद ही नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते कि मैम डेट्स याद करें, तो बीच में कई बार मैं जब परेशान हो जाती थी स्टूडेंट से फोन पे एक ही क्वेश्चन वो पूछते थे मैम क्रोनोलॉजी बेस्ड आ रहे डेट्स याद करें, तो मैं बोलती थी करके देख लो एक बार, हो जाए तो मुझे भी बता देना कैसे करें, क्योंकि मुझे तो नहीं हुए। 1500 वर्ड्स की डेट्स याद करना इज नॉट इजी टास्क, तो इसीलिए क्रोनोलॉजिकली अगर पढ़ें तो पूरा कवर होता है। कुछ छोड़ा सिलेबस में से, जैसे जो मेरे 13 मॉड्यूल्स हम लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन? यस मैम ग्रीक लिटरेचर से एक बार पढ़ा, उसको कभी रिवाइज नहीं किया। अच्छा जो एंशिएंट वाले हैं। यस मैम कल्चरल हिस्ट्रीज भी एक ही बार रिवाइज किया है बस, बाकी पूरा आपने कवर किया था एंड टू एंड सारी चीजें पूरा। तो जैसे यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको हम देखते हैं, और एक जो हम लोग ऑनलाइन कोर्स का सिलेबस देखते हैं, तो उसको आपको देख के कहीं कुछ लगा कि हमने कुछ छोड़ा है या यूजीसी नेट के सिलेबस में आपको कुछ ऐसा दिखा हो? नहीं मैम, मैम जनरली बोलूं तो यूजीसी नेट का सिलेबस देख के कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो आपका सिलेबस देखने के बाद पता चला कि यहाँ सच में क्या करना है और क्या पढ़ना है। उसमें मैम कुछ मेंशन ही नहीं है, डिटेल सिलेबस है ही नहीं। यूजीसी को मैम वो डिटेल सिलेबस बनाना चाहिए जैसे अदर सब्जेक्ट्स के लिए है, हमारे सब्जेक्ट्स में कुछ नहीं है। तो मैम वो मतलब उन्होंने पोएट्री ड्रामा बस लिख के रख दिया है, अब उसमें कौन से ड्रामा पढ़े पता ही नहीं है। फिक्शन है तो फिक्शन तो सभी कुछ है, इतनी नॉवेल्स हैं, कौन सी नॉवेल पढ़नी है उसमें से? एज तक नहीं डिफाइन किया है, एज तक डिफाइन नहीं किया है। हाँ सही बात है। और आपको जैसे आप जो पूरा प्रेपरेशन कर रहे थे, तो उसमें एक चीज जो मुझे कई बार समझ में नहीं आती है कि हर स्टूडेंट का अपना अपना एक चैलेंजिंग एरिया रहता है, तो आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज था जो आपको चैलेंजिंग लगा? मैम मैं वो जो स्टोरीज आप बताती थी कैरेक्टर्स जो रहते थे वो आपके ऑडियो लेक्चर्स में, वो पढ़ तो लेता था, पर फिर थ्रू द टाइम 15-20 दिन बाद वो सारे कैरेक्टर्स में भूल जाता था, तो उसको अगेन अगेन पढ़ने की कोशिश करता था, और स्टोरी याद रहती थी बट मेन थीम याद पता रहता था, बट वो कैरेक्टर्स क्या थे किसने क्या बोला वो भूल जाता था, और लाइंस याद करने मैम बहुत चैलेंजिंग मेरे लिए, मुझे कभी नहीं याद होते। फिर उसको आपने ओवरकम कैसे किया? मैम ओवरकम अगेन एंड अगेन रिविजन, और कोशिश की कि हर चीज लिंक कर सकूं एक दूसरे से, जैसा कि आप अपने ऑडियो लेक्चर्स में करते हैं। तो और जो अभी आपके वो आए थे मल्टीमीडिया वाले वीडियोस वाले जो आए थे, यस मैम उसको भी देखा था, तो उससे भी काफी कुछ हेल्प मिली थी। उससे वो स्टोरी बोर्ड्स आपको सारे मतलब ऐसे एकदम सामने एकदम एनिमेटेड रूप में दिख जाते हैं, तो उससे याद करना बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। यस मैम। मतलब एक चीज में ये भी समझूंगी कि पेपर वन में आपने किस तरह से प्रिपरेशन करी और उसमें आपको क्या चैलेंजेस? मैम जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो पेपर वन तो पढ़ा ही नहीं था अच्छे से, बस ऐसे ही
खाली सिलेबस देख के गया था कि क्या है। और मैम डी आई और रीजनिंग मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो वो हो जाता है 4-5 4। हाँ, और सर मैम केवीएस मदान से मैंने पढ़ा है और यूट्यूब से काफी हेल्प ली है। हेल्प ली थी आपने तो पेपर वन की प्रिपरेशन में, मतलब आपने पास्ट ईयर पेपर्स का भी रोल था, आपने देखे थे पास्ट ईयर पेपर्स? यस मैम, लास्ट अक्टूबर, अब की वाला मैम अक्टूबर और फेब के दोनों के पेपर देखे गए थे पूरा 13-13 सेट्स। अच्छा वो आप ओके सारे शिफ्ट्स के पेपर्स आपने देखे? यस मैम। ओके, इस बार का पेपर वन का पैटर्न आपको कुछ शिफ्ट चेंज लगा, जैसे काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट चेंज हो गए, हमेशा 5-5 आते थे? हाँ चेंज तो हुआ था मैम, वो फेब वाले अटेम्प्ट में जब मैं दिया था तभी भी मुझे लगा था कि चेंज हुआ है पैटर्न, और अब की भी चेंज था, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था लास्ट टाइम से। बट वैसे आपको और... मतलब कभी बहुत चैलेंज नहीं आया पेपर वन, वो आपने हमेशा सेल्फ स्टडी से पढ़ा और हो गया? हाँ मैम, सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से काफी हेल्प ली है मैंने। यूट्यूब से आपने हेल्प ली है, तो यूट्यूब में भी जैसे वीडियोस आप देखते थे और उसके बाद में जो जो टॉपिक्स यूट्यूबर्स बता रहे हैं वो टॉपिक्स आप खुद से प्रिपेयर कर लेते थे बुक से? मैम केवीएस मदान बुक है मेरे पास, उससे मैं पढ़ता था और उसमें जो जहाँ डिफिकल्टी होती है जिस टॉपिक में वो यूट्यूब से देख लेता था। वो आप यूट्यूब से देख लेते थे? नाइस। और इन जनरल मतलब जैसे कोई ऐसा चीज आपको लगा कि जो आप चाहेंगे कि आगे जो एस्पिरेंट्स दे रहे हैं वो लोग ये टिप्स ध्यान में रखें, जो चीजें आपको लगी कि ये तो मेरे प्रिपरेशन में बहुत मदद करी या कई चीज जो आपसे छूट गई? मैम सबसे बड़ी गलती मैंने किसी पेपर वन को काफी हल्के में लेके पहले अटेम्प्ट में, मैं वो नहीं चाहता, सब लोग मतलब जैसे पेपर टू पढ़ते हैं वो ये इन लिटरेचर तो ओशियन है, कभी कंप्लीट नहीं होगा, तो इसके साथ पेपर वन भी पढ़ते रहें बहुत जरूरी है, नहीं तो उसमें काफी दिक्कत होती है। और मैम पेपर टू में तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप रेगुलर रिवीजन भी करते थे कि एक बार आप पूरा पढ़ लेते थे और फिर आप एग्जाम से पहले ही रिवाइज करते थे? नो मैम, पहले जब आपके लेक्चर सुनते थे तो रेगुलर रिवीजन भी करते थे, उसके बाद जब सिलेबस कवर हो गया तो मॉड्यूल वाइज रिवाइज करते थे। तो मॉड्यूल वाइज आप रिवाइज करते थे, और आपके हिसाब से जैसे आपने तो पूरा मेरा कोर्स कवर किया था, तो आपके हिसाब से कितने घंटे अगर कोई स्टूडेंट देता है 6 महीने की प्रिपरेशन में तो वो नेट क्लियर कर सकता है? मैम 4-5 आवर्स मिनिमम। 4-5 आवर्स अगर वो देना है तो उसमें मिनिमम है ये? yes, बिल्कुल। और उसमें अगर आपको लगता है कि जैसे अगर सपोज कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है, वो अपने आप से अगर अलग अलग सोर्सेज से पढ़े, तब उसको कितना समय लगेगा? मैम उसका कोई आइडिया नहीं है, पर इतना वास्ट है मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो पॉसिबल ही नहीं लगता है अलग अलग जगह से पढ़ के। जी एक चीज मुझे ये भी बताएं कि लास्ट वीक आपका एग्जाम से पहले का जो लास्ट वीक होता था उसमें आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता था, एग्जाम से 15 दिन पहले 20 दिन पहले क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते थे? मैम जितना ज्यादा रिवाइज कर पाऊँ यही करता था, कि नया पढ़ना बंद कर देता था एकदम, जितना रिवाइज कर पाऊँ जितना ज्यादा रिविजन कर सकता था करता था, और कोशिश करता था कि पेपर के एक दिन पहले तक मेरा जो भी सोचा है पढ़ के खत्म करने को वो खत्म हो जाए। लास्ट दिन फिर रिलैक्स करें थोड़ा। लास्ट दिन रिलैक्स करें इसमें। हाँ सही बात है। आपके वीडियोस से देख के। बिल्कुल, मैं हमेशा बोलती थी लास्ट तक पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग इतना थक जाता है कि वो एग्जाम के दिन फिर परफॉर्म नहीं कर पाता, एक दिन तो उसको भी रेस्ट करके वापस रिजुविनेट होने के लिए चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने वो सारी चीजें फॉलो करी है। मतलब मैंने जो यूट्यूब वीडियोस पे मैं कई बार बताती हूँ, बट मुझे लगता है अरे यार स्टूडेंट्स समझ भी रहे हैं क्या, इस चीज को मान भी रहे हैं क्या, बट आपसे बात करके मेरे को लगा कि हाँ अगर मैं यूट्यूब पे कुछ बता रही हूँ तो देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू लिसन टू इट एंड अबाइड बाय द रूल्स दैट आई एम सेइंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्रेयर भी लगा के रखी है अपने स्टडी रूम में। अरे वाह, बहुत ही अमेजिंग। फीलिंग दाय ग्रेस, फीलिंग दाय प्रेजेंस वाली। जी जी, तो वो प्रेयर आप रोज करा करते थे? यस मैम, जब तक वो लेक्चर सुनता था तब तक करता था, फिर जब वेबसाइट से उतना नहीं इंटरेक्ट था फिर नहीं कर पाया। फिर आप नहीं कर पाए, बट आपने प्रेयर के साथ में जो मैंने एक मेडिटेशन का भी वो दिया yes, हुआ है जो एग्जाम से पहले मैं एग्जैक्ट लाइन से याद हो गई थी। अच्छा, आप रोज करते क्या बोलने वाली हैं? उससे आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? यस मैम, काम करने में और कंसंट्रेट करने में हेल्प करता था वो, काम करने में कंसंट्रेट करने में, और थोड़ा एंजाइटी भी कम हुआ कि आपको एग्जाम से पहले एंजाइटी रहता था?
यस मैम, बहुत एंग्जाइटी रहता था। फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था, जैसे अभी आपने बोला कि वो एक लास्ट मिनट रिवीजन नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए एक दिन पहले ना, तो मैम उसी से मैंने सीखा था। जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था तो मैं वहां जाके कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था, मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था। जैसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा भर गया है, फुल हो गया है, कुछ रिटेन नहीं कर पा रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो इसलिए लास्ट अटेम्प्ट से मैंने कोशिश की कि एक दिन पहले सब खत्म करते हैं, देखते हैं। सही बात है, बिल्कुल। और अभी कैसा फील हो रहा है, मतलब ऐसे अब क्या आगे का सोचा है कि अब क्या करोगे आगे? अभी तो मैम आरपीएससी वाला भरा है फॉर्म। अच्छा, आप उसकी प्रेपरेशन में लगोगे? यस मैम, और अगली बार जेआरएफ के लिए कोशिश करनी है। क्या बात है, जेआरएफ के लिए कुछ अलग आपने सोचा है कि क्या आप एक्स्ट्रा करोगे जेआरएफ के लिए? नेट हो गया है अब जेआरएफ के लिए, जो एक्स्ट्रा थोड़े मार्क्स चाहिए? मैम वो कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी गलती से गलत किए हैं आपकी पेपर में, जो मुझे आ रहे थे, बट क्रोनोलॉजी या मैज अ फॉलोइंग में कंफ्यूज होके गलती की है। तो मैं वही फोकस करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाऊँ अपना जो मेरा नोट्स है, उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से रिवाइज करके और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। आप ज्यादा परफॉर्म कर पाए इसमें। एक चीज मैं और आपको यहाँ पे रोहित बताऊंगी कि कई बार क्या होता है क्रोनोलॉजी या मैच द फॉलोइंग में, आप जब एक बार क्वेश्चन करते हैं, जब आपके सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, तो हमने क्वेश्चन देखा, हमने ऑप्शन देखे, वहां पे ये कोशिश करिए कि आप एलिमिनेशन जितना यूज कर पाए, क्योंकि कई बार क्या, जब हम एलिमिनेट नहीं करते हैं ना, तो हमारी हम चार में से कोई भी ऑप्शन को टिक लगा देते हैं, कि आपको पता होना चाहिए ए और डी तो नहीं है, अब बी सी में से है। अब उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार आपको जो भी सही लग रहा है आप वो करके उसको सेव एंड नेक्स्ट पे करके मूव कर दीजिए, या फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे करके मूव कर दीजिए, और नेक्स्ट पे दो चार क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट वाले का आंसर बता देगा। बहुत बार ऐसा होता है, तो हम जब भी सॉल्व करें तो हम एक बार मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाए, और हम अपने आप को ये बोल दें कि यार इसका क्या राइट आंसर है, आई वुड जस्ट वांट टू गेट मोर क्लैरिटी। और मैं तो यूनिवर्स को बहुत मानती हूँ, तो मैं तो यूनिवर्स को बोल देती हूँ कि भाई देखो याद नहीं आ रहा है, अब आप बताओ क्या सही आंसर है, और मैं आगे मूव कर जाती हूँ। और मैं देखती हूँ कि 10-15 क्वेश्चन होने के बाद में आपका दिमाग वापस से जाता है उस पे, और आपको अचानक से क्लिक करता है कि अरे इसका आंसर बी क्यों होगा, बी होगा, तब आप फिर आप पे जाते। कई बार हम एक क्वेश्चन पे बहुत देर तक सोचते रहते हैं, उस वजह से हम आगे के क्वेश्चन को ढंग से नहीं कर पाते। तो ये एक चीज आप आगे याद रखिएगा, आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल बहुत ही ज्यादा। और एक चीज मुझे और समझनी है आपसे कि जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे भूल नहीं जाऊं, कि आपको इस बार का पेपर देख के कैसा लगा? मतलब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई कोई भी पेपर हार्ड या डिफिकल्ट नहीं होता, वो स्टूडेंट की प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर वो प्रिपेयर्ड है तो उसको अलग लगेगा, जो प्रिपेयर्ड नहीं है उसको अलग लगेगा। तो आपको क्या लगा इस बार का, आपने जब पेपर देखा, वॉज इट टफ, वॉट इज इट ईजी? मैम मैं रिव्यूज देखा था जब आके यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पेपर वॉज टफ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। बट मैम जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था वहाँ पे पेपर, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में था, तो मेरे माइंड में ये सब कुछ भी नहीं आया। मुझे फैमिलियर लग रहे थे क्वेश्चंस, मुझे नहीं लग रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट है या मैंने कभी पढ़े नहीं है, मैंने कभी सुने नहीं है। 10-15 क्वेश्चंस जो ऐसे होंगे कि ऑप्शंस में जो कभी नहीं सुने हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें फैमिलियर ही लग रही थी। फैमिलियर लग रही थी, और आप उन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हो जो आपको अनफैमिलियर लगते हैं या टफ लगते हैं? हम उसमें कोशिश करते हैं कि ऑप्शंस देखते हैं, उस ऑप्शन में जो पढ़ा हुआ है वही टिक कर देते हैं, वही टिक करते हैं। ओके। और इसमें आप लोग जैसे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के एरिया में अगर देखा जाए, तो पेपर वन पेपर टू को कितना कितना टाइम एलोकेट करते हैं? मैम पेपर वन को तो 45 मिनट से 1 आवर के बीच में सोचते हैं कंप्लीट हो जाए, और पेपर टू के लिए 2 आवर्स है ना, 2 आवर्स पूरे आप रखते हैं। तो पेपर वन आप 45 to 1 hour के बीच में, उसके बाद में फाइनली कर देते कि वापस उस पे नहीं जाते आप उन क्वेश्चंस पे? नहीं मैम, जैसे अब की मेरा क्या हुआ था, 35 या 40 मिनट्स में मैंने पेपर वन पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से मेरा 15 questions मैंने स्टिल मार्क नहीं किए थे पेपर वन में, तो मैं उसको स्किप कर दिया, मैं पेपर टू पूरा फिर किया। फिर उसके बाद पेपर टू जब मेरा कंप्लीट हो गया था, तो 40 मिनट्स या 45 मिनट्स मेरे बचे हुए थे, फिर मैं पेपर वन पे गया, फिर से वो 15 question देखा, और पेपर टू में फिर देखा कि क्या क्या है और क्या बचा है उसमें, वो सब फिर से मैम वो वाली चीज आपने करी। बहुत ही अच्छा ये मेथड है कि एक ही जगह अटके नहीं रहे। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं वो 1.5-2 घंटा पेपर वन में ही लगा दिए कि नहीं हम तो पूरा ही करके दम लेंगे, जो मैं हमेशा अपने वीडियोज में भी बोलती हूँ कि भाई कोई भी क्वेश्चन को दिल पे मत ले लो कि ये तो मैं सॉल्व करके ही एकदम लूंगा, नहीं हो रहा था आगे बढ़ो,
एक क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो रहा उसमें दो की जगह 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 ही मिलेगा, उसकी वजह से 4 इजी क्वेश्चंस को हम क्यों गलत करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कि आपने 40 मिनट्स में खत्म किया, जो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल रखते थे उसको आपने बात के लिए छोड़ा। चलिए बहुत ही बढ़िया, एंड आपसे बात करके मेरे को काफी सॉर्टेड वाली चीज का फीलिंग आ रहा है कि आप बहुत सॉर्टेड थे और आपने अपने आप को समझा कि भाई मेरे लिए क्या वर्क करता है, मेरी कहाँ दिक्कत है, किन चीजों पर मैं और काम करूँ। और एक आखिरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम लोगों का जो पूरा कोर्स है उसमें आपको क्या अच्छा, मतलब आपके हिसाब से आपकी लर्निंग जर्नी में क्या एक फीचर था जिसने बहुत रोल प्ले किया? मैम सबसे अच्छी चीज है आपके कोर्स में कि कोई बाउंडेशन नहीं है, हम जहां से चाहें वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, कोई लिमिटेड नहीं है कि मेरे पास अगर आज वो 8 hours नहीं है तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे पास कम है तो मैं 1-2 hours में भी पढ़ सकता हूँ, और मेरे पास अगले दिन ज्यादा है तो मैं 10-12 hours भी उससे वो कर सकता हूँ, पढ़ सकते हैं। तो यस मैम, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, मुझे जैसे ही मैं पेमेंट करता हूँ सारी लॉगिंग आईडी पे मेरा सारा सिलेबस मेरे पास होता है, मैं पूरा गो थ्रू कर सकता हूँ एट अ टाइम कि हाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, खुद से डिसाइड कर सकता हूँ, और ये बहुत हेल्प किया मैम मेरी, क्योंकि और जैसे अगर लगातार बताता कोई कि हाँ ये पढ़ना भी, ये पढ़ना भी, मतलब टाइम के हिसाब से अगर चीजें आती तो मैम शायद मैं कवर ही ना कर पाता अपना सिलेबस। एग्जैक्टली, नहीं नहीं चलिए, ये हमने बनाया भी इसको कोर्स को इसी तरीके से इसलिए था कि हर स्टूडेंट के पास जिसके पास जितना टाइम है वो उतने समय में कर पाए, हमने इसीलिए कोई बाउंडेशन नहीं रखी कोर्स में कभी भी कि नहीं आपको लाइव लेक्चर्स नहीं रखे, जिससे हर स्टूडेंट जरूरी नहीं है उस समय पढ़ पाए, वो वाली चीज है। चलिए थैंक यू सो मच रोहित, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आउट टाइम टू यू नो बी विद अस टुडे एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस, एंड आपके एक्सपीरियंसेस आई एम प्रीटी श्योर काफी लोगों को इंस्पायर करेंगे और हेल्प करेगा उनके प्रिपरेशन जर्नी के अंदर। मैम काफी नर्वस था इस इंटरव्यू के पहले की जिसकी वॉइस में जो मुझे पढ़ाया है, जिनकी वॉइस में अगले पिछले 6 महीने काफी सुना हूँ, उनसे इंटरेक्ट करने का आज लाइव इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है, थैंक यू मैम। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग भी, हम सब ह्यूमंस हैं, नॉर्मल है, आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ चीजें आप मुझसे सीखेंगे, एंड दैट इज हाउ द एंटायर जर्नी गोज ऑन, बट आई एम सो 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 ग्लैड कि आपने इतने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, एंड रिविजन जो आपने समझा है, मतलब आई रियली थिंक कि रिविजन अगर आपने उसकी इम्पोर्टेंस समझी नहीं होती फेब्रुअरी के बाद में तो शायद आप ये वाला अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज यू अंडरस्टूड कि सब कुछ सही चल रहा है, सिर्फ एक रिविजन पे मैं ध्यान दे दूं तो मैं क्लियर कर पाऊंगा, वो चीज आपने समझी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर JRF, एंड नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू गेट लाइव विथ यू अगेन जब आप JRF क्वालिफाई करेंगे, और फिर हम आपसे बात करेंगे कि नेट से JRF तक का सफर आपका कैसा रहा। ओके थैंक यू, चलिए थैंक यू रोहित, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज अपने घर में सबको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेट करिएगा, ये सिर्फ आपका नहीं सबका अचीवमेंट है। ओके मैम थैंक यू, ओके थैंक यू रोहित, बाय बाय।